हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में बात करेंगे नेशनल इनकम को मेज़र करने के दूसरे मेथड के बारे में, जो कि है इनकम मेथड। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है वैल्यू एडेड मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ मेज़रिंग नेशनल इनकम को। क्या मेथड था, कैसे मेज़र करते हैं नेशनल इनकम को, किसको इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना है, इस तरह की तमाम बातों के साथ हम लोगों ने पहले मेथड को फिनिश किया है। आज सेम काम रिपीट करेंगे विथ सेकेंड मेथड, जो कि होगा इनकम मेथड। सबसे पहले जानेंगे कि इनकम मेथड है क्या, कैसे नेशनल इनकम को मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, एंड देन वन बाय वन करके स्टेप्स देखते हुए हम इनकम मेथड को भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेंगे। इनकम मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अब देखो, ये नाम से बिल्कुल क्लियर है कि ये है क्या। इनकम मेथड की मदद से जब हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं, तो जो पर्सपेक्टिव होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के दौरान एक देश में जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, उनमें जितने भी लोगों ने अपना योगदान दिया फैक्टर्स के तौर पे, ऑफ कोर्स उनको जो भी उनका रेम्यूनरेशन नहीं, जो भी उनका फैक्टर सर्विस उनको मिला है, उन सब का जब हम सम अप करेंगे, सबको जब हम जोड़ेंगे, तब जा कर के नेशनल इनकम मिल जाता है। यानी देश में काम कर रहे हर एक व्यक्ति के इनकम को जोड़ दिया तो नेशनल इनकम निकल गया अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड। तो चलो इसी बात को जरा एक बार लिख कर भी देख लें। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ऑल द इनकम्स दैट occurs to the factors of production by way of wages profits, rent, interest by yeah interest etc are summed up to obtain national income. Obtained the national income, the national income. देखिए, अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड क्या करते हैं हम, जितना भी ऑल द इनकम्स जो कि प्राप्त किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, किनके द्वारा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, है ना, उत्पादन के कारकों के द्वारा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलता है वो किस किस तरीके से मिलता है, तो वेज के तौर पर मिलता है, प्रॉफिट के तौर पे मिलता है, जैसे वेज लेबर को मिला, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिला, रेंट मिला आपके लैंड को, इंटरेस्ट मिलता है किसको, कैपिटल को। इस तरीके से जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा
इनकम रिसीव किया जाता है जब उन तमाम इनकम्स को हम जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए, नेशनल इनकम को प्राप्त करने के लिए। तो इसी तरीके को हम इनकम मेथड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल यही है हमारा इनकम मेथड। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितने भी देश के रेसिडेंट्स हैं, किसी भी कंट्री के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, उनके द्वारा जो भी इनकम रिसीव किया जाता है, उस इनकम के सम को, सम टोटल को हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम में हम फैक्टर्स पेमेंट को इंक्लूड करते हैं, सीधी सी बात है। अब ये जो फैक्टर पेमेंट होता है, ये जो फैक्टर इनकम होता है, उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये ज़रा सी ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने जान लिया कंपोनेंट्स की नेशनल इनकम को, इनकम मेथड के साथ जब हम मेज़र करेंगे तो जितना भी इनकम होगा सबको हम ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे फैक्टर इनकम के, इस पे हम ज़रा गौर कर लें। कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम कि किन किन फैक्टर्स के इनकम को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, या किस तरह का हम इनकम यहाँ पे लेने वाले हैं, इसको हम ज़रा सा पॉइंट वाइज देख लेते हैं, ताकि हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ सकें बाय इनकम मेथड्स। तो जो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है जिसको हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं, वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका जो भी कंपनसेशन है, उसको हम नेशनल इनकम की जब अकाउंटिंग करेंगे इनकम मेथड की मदद से, तो उसमें हम इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे कंपनसेशन से क्या मतलब है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज से यहाँ पे मतलब है वो अमाउंट जो एम्प्लॉयज को पे किया जाता है, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, उनकी रेंडरिंग सर्विसेज के बदले में। एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं उनको उनके काम के बदले में जो भी पे किया जाता हो एम्प्लॉयर के द्वारा, उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं। भैया काम लिया तुमसे, उसके बदले में पैसा दे दिया। इसी में तुम्हारा सबसे पहला आ जाएगा, इसी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में बहुत स्पेसिफिकेशन है कि हम पर्टिकुलरली किसको किसको यहाँ पे ले रहे हैं। तो जो भी वेजेस और सैलरी पे करी जाती है इन कैश, कैश के फॉर्म में जो भी वेजेस या सैलरी पे की जाती हो, उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। कैश के फॉर्म से मेरा मतलब है यहाँ पे कि जो भी सैलरी या बोनस या डियरनेस अलाउंस, जो भी ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स वेजेस के तौर पे जो दिया जाता हो एम्प्लॉयज़ को, वो सब इसके अंदर आएगा और वो सब ऐड होगा। ठीक है, सैलरीज, वेजेस, मॉनेटरी बेनिफिट्स में बोनस, डियरनेस अलाउंस, कमीशंस, ये सब अलग अलग तरीके से जो भी कंपनसेशन दिए जाते हों एम्प्लॉयज़ को, वो सारे के सारे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में यूज़ करे जाते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जो भी वेजेस या फिर सैलरीज दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी, ठीक है, या काइंड के फॉर्म में, यानी कि जो सेवा दी जाती है एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर के द्वारा, जैसे कि फ्री हाउसिंग फैसिलिटी दे दी जाती है, फ्री ट्रैवलिंग अलाउंस दिए जाते हैं, फ्री नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस जो दिए जाते हैं, या फ्री फूड कूपन्स हो गए आपके एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क प्लेसेस पे। तो इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ को, उनके फैमिली मेम्बर्स को, जो भी जिस भी तरीके से दिया जा रहा है, वो सब का सब ऐड होगा नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में जब हम इनकम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी फंड्स।
सोशल सिक्योरिटी फंड्स। इसमें कहने का मतलब है कि जो भी कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन इम्प्लॉयज़ को किया जाता है, इम्प्लॉयर को भी किया जाना है टू द सोशल सिक्योरिटी फंड्स, जिसमें प्रोविडेंट फंड्स आ जाते हैं आपके, ईपीएफ हो गया आपका, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड हो गया आपका। तो इस तरह की जितनी भी फंडिंग है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके इंक्लूड होंगे जब भी हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करेंगे। जैसे लेबर वेलफेयर फंड्स हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गया, इस तरह के जितने भी फंड्स हैं उनको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के तौर पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनकम के रूप में इंक्लूड करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट, ये हो गया पहला। दूसरा, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी जो है ये भी हमारा फैक्टर इनकम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। रेंट एज इन सिंपल एज स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका मीनिंग, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो रेंट के तौर पे जो भी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम जो अराइज होता है फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। रेंटल इनकम्स इंक्लूड होता है दोनों में, एक्चुअल रेंट में भी और जो आपका इम्प्यूटेड रेंट है उसमें भी। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इम्प्यूटेड रेंट का एक टर्म डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग जब हम वैल्यू एडेड मेथड की मदद से करते हैं तो इम्प्यूटेड रेंट को भी लेंगे, जहाँ पे ओनर अपने खुद के ही घर पे रह रहा है, किसी को रेंट पे नहीं कर रहा, बट उसका जो भी एस्टिमेटेड रेंट होगा मार्केट रेंट के हिसाब से उसको हम लेते हैं। तो दैट इज़ द इम्प्यूटेड रेंट। एंड एक्चुअल रेंट मतलब आप मान लीजिए कि आप रेंट के घर पे रह रहे हैं, अपने खुद के घर पे नहीं है, किराए के मकान पे आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंट पे कर रहे हैं वो ऐड करेंगे। रॉयल्टी का मतलब हो गया कि जहाँ पे ओनर्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को उन्होंने दे दिया है, ठीक है, काम के लिए, और बिना किसी काम के उनको उस प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा शेयर मिल रहा है बींग ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। लाइक माइनिंग वगैरह में, जैसे कोल माइंस हो गए आपके, तो किसी का माइन है, किसी की ज़मीन है, उन्होंने उस पर माइनिंग के काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर को वो दे रखा है। अभी कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम कर रहे हैं उसका वो कुछ परसेंटेज उस ओनर को देंगे क्योंकि वो उनकी ज़मीन है। तो काइंड ऑफ रॉयल्टी हो गई ये, दिस इज़ नोन एज रॉयल्टी। तो रॉयल्टी एंड रेंट ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में जब भी हम इनकम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका एक तरह का फैक्टर इनकम ही है, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हो गया आपका इंटरेस्ट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है फंड दिया किसी को आपने उधार, और उधार के तौर पर उसके बदले में आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी हम ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में, ठीक है। रेंट वगैरह जो हो, इंटरेस्ट जो हो गया वो उस अमाउंट को कहते हैं, या ये वो अमाउंट होता है जो कि लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्टिव प्रोडक्शन यूनिट्स उसके बदले में रिसीव किया जाता है, और ये तुम्हारा एक्चुअल इंटरेस्ट में आता है और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट में भी आता है। इसलिए इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनकम हो गया जिसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में। ठीक उसी तरह से इसमें हमारा और भी टर्म आता है जैसे कि प्रॉफिट। प्रॉफिट भी इनकम है स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी प्रॉफिट हो रहा है किसी भी फर्म को या किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो भी रिवॉर्ड मिलता है उनके कंट्रीब्यूशन के बदले में इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हमारा ऐड हो जाएगा नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में वेन एवर वी यूज इनकम मेथड टू काउंट नेशनल इनकम। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फैक्टर इनकम का। क्या है ये? तो इट इज़ द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स, जैसे कि फार्मर्स हो गए या बार्बर्स हो गए, जैसे कि किसान है या मोची है या
या फिर जो आपके बाल काटते हैं जो बार्बर हो गए, उन सबके द्वारा जो भी इनकम अर्न किया जा रहा है जो कि ओन अकाउंट वर्कर कहला गए, और दूसरे तरह से आपके वो हो गए जो यूनी कॉरपोरेटेड एंटरप्राइजेज जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स हैं या स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, इन सब के द्वारा जो भी इनकम अर्न किया जाता है उसको भी हम यूज़ करते हैं एज इनकम, और वो सारे आपके क्या हो गए मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज़ वाई इनको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। और मिक्स्ड इनकम जो होता है वो प्रोडक्टिव सर्विस होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी अराइज करता है, जिसका इनकम वेज भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड है, सेपरेट नहीं है, तो उस केस में इसको हम मिक्स्ड इनकम के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो कोई डॉक्टर है, अभी कोई डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में पोस्टिंग है उनकी, तो उनको वहाँ से सैलरी मिल रही है, ठीक है, वेज मिल रहा है। और जब वो मान लीजिए कि वो सेम डॉक्टर ने अपने घर पे भी क्लिनिक खोल रखा है और उस क्लिनिक पर से भी उनको इनकम मिल रहा है, तो सेम डॉक्टर है, सेम प्रोफेशन है, बट वो अलग अलग प्लेसेस से अलग अलग तरीके से इनकम अर्न कर रहे हैं। कहीं पर वो सैलरी ले रहे हैं और घर पे जब वो रिसीव कर रहे हैं उसको, तो मे बी वो डेली बेसिस पे 10 पेशेंट्स देखते हैं या 20 पेशेंट देखते हैं, तो उसको हम वेज कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम इज पर्टिकुलरली नॉट सेपरेटेड कि ये वाला वेज है, वो वाला इनकम है, ये वाला रेंट है, बट हर तरह के इनकम वो रिसीव कर रहे हैं, दैट इज वाई इसको हम मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। तो मिक्स्ड इनकम जो हो गया वो उन तमाम इनकम को कहेंगे जो कि हर एक फैक्टर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से अर्न किया जाता है, बट उसको हम पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से मिक्स्ड इनकम प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल इनकम के। अब हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को जब हम इनकम मेथड की मदद से कैलकुलेट करेंगे तब कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं वो देख लेते हैं। सो स्टेप्स फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड। तो जो सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं इनकम मेथड में वो इधर जो लिखा हुआ है वो सारी चीजें होंगी हमारी। फर्स्ट स्टेप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज विच इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये सारी चीजें। प्लस इसमें ऐड करेंगे रेंट एंड रॉयल्टी को। व्हाट इज रेंट, व्हाट इज रॉयल्टी, अभी अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट को, एक्चुअल इंटरेस्ट, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, बोथ। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट को एंड मिक्स्ड इनकम को। तो क्या करा हमने, जितना जितने भी टाइप के इनकम थे उन तमाम टाइप ऑफ इनकम को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जब हम ये काम करेंगे तब देखिए क्या मिल जाएगा हमको, जब हम तमाम इनकम्स जो रिसीव किए जा रहे हैं देश के हर एक फैक्टर के द्वारा जब हम उन सबको जोड़ देंगे तो निकल कर आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बिल्कुल एक सिंपल स्टेप में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हम कंट्रीब्यूशन ही ले रहे हैं और उन्होंने एक्चुअल कितना कंट्रीब्यूशन करा फैक्टर कॉस्ट एंड नेट।
सो नेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये निकल गया। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में बस एक और स्टेप फॉलो करना होता है और वो है कि इसमें हमने ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, और जब हम इसको जोड़ेंगे तब निकल कर के आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम क्या कहेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज जस्ट इक्वल्स टू द नेशनल इनकम, बिकॉज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो नेशनल इनकम है उसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो देखो बहुत ही सिंपल है इनकम मेथड, बहुत ही शॉर्ट सा है ये, तो इसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स नहीं लेने हैं, बस आपको कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम ध्यान में रखना है, याद रखना है, जिसमें हमने हर तरह के कंपनसेशन ले रखे हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है उनके रेकरिंग सर्विसेज के बदले में, प्लस उसमें हम रेंट एंड रॉयल्टी को जोड़ते हैं, उसमें हम प्रॉफिट इंटरेस्ट मिक्स्ड इनकम, इन तमाम किस्म के इनकम को जब हम जोड़ते हैं तो उसका सम टोटल हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है, क्योंकि इसमें हम लोग कंप्लीट इनकम की बात कर रहे हैं, इसलिए ये ऑटोमेटिकली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर है। और फिर क्या कर रहे हैं, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, और जब हम ये काम करेंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है जो कि नेशनल इनकम के बराबर है। सो इस तरह से नेशनल इनकम की अकाउंटिंग हमने कर ली है विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम। ध्यान रखने वाली बात ये है, प्रिकॉशंस हमने क्या क्या लेने हैं जब भी हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करेंगे, तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो जब इनकम मेथड की बात होगी तो सबसे पहला पॉइंट वो यही होगा कि जो ट्रांसफर इनकम है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफर इनकम भी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप्स हो गए, जैसे कि पेंशन हो गया हमारा, जैसे कि डोनेशंस हो गया, चैरिटी हो गया, तो इस तरह का जो भी इनकम है उसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉई को कंपनसेशन मिला हुआ है, सैलरी मिली हुई है उसको काम के बदले में, उस व्यक्ति ने अपनी ही सैलरी में से उसने क्या करा कि चैरिटी कर दी, किसी को कुछ ऐसा दान दे दिया, डोनेशन दे दिया है, तो ये हो गया, उसको ऑलरेडी इनकम मिल चुका है और उसको हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है नेशनल इनकम में। वापस से ट्रांसफर इनकम को भी इंक्लूड करेंगे तो अगेन हमारा रिपीट हो जाएगा वो वैल्यू इनकम का, और उससे एग्जैक्ट नेशनल इनकम का पता हमको नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरह से जो भी इनकम हो रहा है इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनके सेल और परचेज से जो भी इनकम जनरेट हो रहा हो वो भी इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में, बिकॉज ओरिजिनली जब वो फर्स्ट टाइम वो गुड एंड सर्विसेज जब भी फर्स्ट टाइम बिके होंगे गुड्स पर्टिकुलरली, तो वो ऑलरेडी हमारे नेशनल इनकम में ऐड हो चुके हैं, तो वापस से उसको सेकेंड हैंड जब वापस से बेचा है तो उससे इनकम जनरेट हुआ तो वो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज उसको इंक्लूड कर पाने से एग्जैक्ट नेशनल इनकम की अकाउंटिंग हम नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से जो हमारा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर
बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, ईटीसी, जो भी हमारा इनकम जनरेट होता हो, सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब से जो भी सेल करने पर इन सबको जो भी इनकम जनरेट हो रहा है या मिल रहा है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के जो गुड्स एंड सर्विसेज, ये इस तरह के जो आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हो गए, ये ऑलरेडी आपके इनका जो ट्रांजैक्शन है ये करंट फ्लो या ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इनका ट्रांजैक्शन जो है ये एक तरह का फाइनेंशियल एसेट्स है जो मेयर पेपर क्लेम्स और इसमें कई तरह के चेंजेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो हो गया इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम इनकम मेथड में, क्योंकि ये पर्टिकुलरली और डायरेक्टली इनकम को डायरेक्टली करंट फ्लो ऑफ इनकम गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट नहीं करता है। ठीक उसी तरह से इसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे विंडफॉल गेन्स हो गया हमारा, विंडफॉल गेन्स मतलब जैसे आपकी लॉटरीज हो गई है ना, अचानक से लॉटरी निकल गई आपकी, या फिर इसमें आपकी हॉर्स रेस वगैरह, आप रेसिंग कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं और उससे आपको पैसे मिल गए, तो उन सबको हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग जब हम करेंगे इनकम मेथड से तो उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के से कनेक्टेड नहीं है। लॉटरी वगैरह खेलना या आप कसिनो में जाकर के आप कुछ पैसे जीत गए हैं या आपने हॉर्स राइडिंग में कुछ पैसे लगाए और आप जीत गए, तो ये कोई प्रोडक्टिव सर्विस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस तरह की एक्टिविटीज़। तो इनसे जो भी तुमको गेन मिला है उसको नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से जो भी इम्प्यूटेड वैल्यू होगा वैसे सर्विसेज का जो प्रोवाइड किया जाता हो बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। ध्यान दीजिएगा, अब इंक्लूड क्या क्या होगा अगर हम उसकी बात करते हैं, तो मैं इधर लिखती हूं, इम्प्यूटेड सर्विसेज, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स है उनके द्वारा जिस भी तरह का प्रोडक्शन यूनिट्स के ओनर के द्वारा जो भी इम्प्यूटेड सर्विसेज का वैल्यू प्रोवाइड कराया जा रहा हो उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में जब भी हम इनकम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ओनर का सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो गया या इंटरेस्ट हो गया ऑन ओन कैपिटल हो, जैसे कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी प्रोडक्शन है, तो इन सबको हम इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं और इन सब से देश के डायरेक्ट या करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एडिशन हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाता है बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, इसको पूरा ही लिख देती हूँ, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, तो ये सारे वैल्यूज होंगे आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि जो भी वो सर्विस प्रोवाइड, पहले तो इसको कैटेगराइज कर देते हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इंप्यूटेड वैल्यू जो भी सर्विसेज का होगा, लाइक फ्री में रेंट, फ्री में घर दिया हुआ है या किसी भी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करा हुआ है, मान लीजिए कि खुद को लोन ले रखा था, उसका जो भी इंटरेस्ट बनता, हाँ ठीक है पे नहीं किया जा रहा है किसी को, बट कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्ट बनता। अगर ओनर के पास पैसे होते और वो उस पैसों को बैंक में रख देता या किसी को उधार देता तो उसके बदले में उनको इंटरेस्ट रिसीव होता, बट क्योंकि उन्होंने उन पैसों को खुद के ही बिजनेस में लगा रखा है तो उनको डायरेक्टली कोई कहीं से रेंट नहीं आ रहा है या उनको डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा है, बट क्योंकि वो उनकी ही चीज़ है तो उसका जो भी इम्प्यूटेड वैल्यू होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है इन द करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, सो इसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हो गया तुम्हारा पेमेंट्स ऑफ पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पास्ट सेविंग्स का जो भी पेमेंट होगा पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स ये इंक्लूड नहीं होगा। मान लीजिए आपने कोई पुरानी सेविंग कर रखी हो तो उसका जो भी पेमेंट हो रहा है लाइक डेथ ड्यूटी हो गया, ठीक है, या गिफ्ट टैक्स है या वेल्थ टैक्स है, ये सब इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में, बिकॉज़ ये पे आउट किया जाता है वेल्थ या फिर पास्ट सेविंग से, जो कि ऐड नहीं करता है देश के करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को में, जिसकी वजह से इसको हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड एक और पॉइंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड नहीं होंगे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में जब भी इनकम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये इसलिए ऐड नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में एट मार्केट प्राइस। तो जब क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है मार्केट प्राइस पर, तो फिर इसको हम वापस से इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज वही समस्या होगी डबल काउंटिंग की, और जिससे कि एग्जैक्ट नेशनल इनकम का मेजरमेंट हम नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि थोड़े इधर उधर लिख दिए हैं मैंने, इधर कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। अदर देन दैट आपका जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट है विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड वो यहाँ पे फिनिश होता है। हम लोगों ने देखा इनकम मेथड के अकॉर्डिंग कैसे नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स हम क्या क्या ले रहे हैं, किस और कितने स्टेप्स में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाते हैं जब हम इनकम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एंड कौन कौन से मेन प्रिकॉशंस हैं इस मेथड के। इसी के साथ नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि होगा एक्सपेंडिचर मेथड।